दोस्तों जस्ट ऑटो में आज ये BMW आई है, करीब 100 किलोमीटर दूर से भाई यहाँ लेकर के आए कि गूगल पे रिव्यू देखे। और इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रही है, वाइपर नहीं चल रहे हैं, साइड की लाइट्स कभी ब्लिंक करती है कभी नहीं करती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो जगदीश भाई से जानते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जगदीश भाई, आपने गाड़ी को स्कैन किया है तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है? सर, ज़्यादातर कैसा है ये BMW में कि X1 है, दूसरा भी सर मॉडल है 320D वगैरह में, उसमें कैसा है कि बैटरी जब डाउन हो जाती है जी, तब आप जब स्टार्ट लगाते हो तब उसका वोल्टेज बहुत ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब उसी लो वोल्टेज में सब सिस्टम चला जाता है। हाँ। या तो स्पार्क होता है, स्पार्क बोले तो जैसे कि अभी एकदम से वोल्टेज लो हो गए फिर हाई वोल्टेज हो गए, वैसा सिचुएशन में सर FRM का डेटा क्रैश हो जाता है। अच्छा, तो मतलब FRM इसका एक मॉड्यूल है जो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। हाँ, हेडलाइट, जैसे पावर विंडो हो गया, हाँ, डोर के सारे सिस्टम हो गया, सेंटर लॉकिंग हो गया, जो इसमें अभी इस प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, वो सब मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं जैसे FRM का डेटा क्रैश हो गया। अभी फिलहाल इसमें कैसा है कि हेडलाइट ऑन हो गया, वाइपर बंद हो गए, कभी उल्टा भी प्रॉब्लम आ सकता है, कभी कभी अपने आप वाइपर चालू हो जाते हैं या फोर लाइट अपने आप चालू हो जाती है, इंडिकेटर कभी बंद हो जाता है, कभी पावर विंडो बंद हो जाता है, ऐसे सब अलग अलग सिचुएशन आते हैं, मतलब जिस तरफ से डेटा क्रैप हुआ रहेगा उस तरफ का प्रॉब्लम दिखाएगा। तो अभी स्कैनिंग में अपने को क्या नजर आया फॉल्ट? स्कैनिंग में सर कैसा है, स्कैनिंग किया तो FRM मिसिंग का मैसेज दे रहा है, FRM गाड़ी के अंदर है ही नहीं ऐसा। अच्छा। मतलब FRM कनेक्टेड के जो सब मॉड्यूल के साथ रहना चाहिए ना, अभी फिलहाल मॉड्यूल के साथ कनेक्ट नहीं है। तो अभी उसको अपन FRM को रिपेयर करके और फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। हाँ, रिपेयर करने के बाद सर गाड़ी तो स्टार्ट ही है, लेकिन जब ये लाइट का फंक्शन सब ऑपरेट नहीं हो रहा जी, वो सब ऑपरेट एक्टिवेट कंप्लीट हो जाएगा। राइट। हाँ, अभी एक्टिवेट नहीं हो रहा, या तो जो एक्टिवेट है वो एक्टिवेट मोड में रह रहा और जो इनएक्टिव है वो इनएक्टिव ही रह रहा, जैसे स्विच से ऑन करते, जैसे हेडलाइट स्विच से ऑन करते, लेकिन हेडलाइट से कोई स्विच वर्क नहीं कर रहा है अभी फिलहाल, जैसे इग्निशन ऑन करता हूँ तुरंत हेडलाइट ऑन हो रहा है। तो FRM सही करने के बाद ये सर प्रॉपरली वर्क करने लगेगा और प्रॉपरली अपना गाड़ी सही तरह से हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, ओके। फिलहाल मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ एक बार इग्निशन स्टार्ट करके कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या। हाँ, है प्रॉब्लम दिखा, मैं कैमरामैन को बोलूंगा साथ में चलेंगे मेरे। हाँ, ये भी ऑलरेडी स्कैनर लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं सर। ये देखिए अभी इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, इग्निशन फिलहाल ऑन हो गया, बाहर सर हेडलाइट अपने आप ऑन हो गया और यहाँ पे देखिए ये सेंटर लॉकिंग वर्किंग नहीं कर रहा है, सेंटर लॉकिंग वर्किंग नहीं कर रहा है, बोलूंगा कैमरामैन को। इधर पावर विंडो स्विच देखिए, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, पावर विंडो भी वर्किंग नहीं कर रहा है, सेंटर लॉकिंग भी वर्किंग नहीं कर रहा है और इंडिकेटर, इंडिकेटर भी वर्क नहीं कर रहे, वाइपर इसके वर्क कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई FRM का ऐसा डेटा क्रैप होता है तो वाइपर भी या तो बंद हो जाता है या तो कंटिन्यू हो जाता है। तो हम आपके पास में फिर वापस लौटते हैं FRM रिपेयर करके। आज जो ये BMW हमारे पास में आई थी इसका FRM रिपेयर कर दिया गया है, धर्मेश भाई से जानते हैं जरा इसका। धर्मेश भाई, एक बार स्टार्ट करके आप दिखाइए इसकी लाइट का। लाइट ऑन कर रहा हूँ सर। हाँ, हेडलाइट ऑन कीजिए, ये हेडलाइट ऑन हो गई है, अभी लाइट करेक्ट हो गई है, ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, ऑफ कर दीजिए, आप देखिए इधर दूसरे फंक्शंस इसके कांच के और इसके दिखा दीजिए। हाँ, इसका कांच भी ऑपरेट नहीं हो रहा था तो ये कांच भी ऑपरेट होने लगा। हाँ, चारों चार कांच ऑपरेट होने लगा, फिर इसका इंडिकेटर चालू नहीं था। हाँ, तो चारों चार इंडिकेटर भी चालू हो गया है, इधर से पार्किंग से भी हो गया और इधर से भी हो गया है। अच्छा। ओके, और ये टायर प्रेशर का क्यों दिखा रहा है उसके अंदर? वो सर्विसिंग बाकी और टायर में एयर कम है अभी, इसलिए वो टायर प्रेशर का बता रहा है। ठीक। और उसका FRM अपन ने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग डेटा चेंज करके कर दिया है। तो इसका FRM प्रोग्रामिंग करके और डेटा करेक्ट करके इंस्टॉल करके तो गाड़ी अब कम्प्लीटली रिपेयर होकर चालू हो गई, सब वर्क कर रहा है अभी कम्प्लीट। थैंक यू वेरी मच।